हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज की डेट है 21 और अभी अभी मैंने एक ब्लॉग को एंड किया है। मतलब जो मैंने इससे पहले ब्लॉग बनाया था, सुबह से स्टार्ट किया था, तो उस ब्लॉग को मैंने एंड किया है। और अभी डिनर बनाना था तो मैंने सोचा चलो दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब जितने देर चलेगा उतने देर। तो दूसरा ब्लॉग इसी वजह से स्टार्ट किया है और अभी डिनर में बनने वाला है सिंपल सा डिनर। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ, मतलब वेज बिरयानी, बिरयानी तो नहीं बोल सकते हैं उसे, जो मसाले वाला राइस होता है वो मसाला राइस बनाने वाली हूँ। तो चलिए उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट जैसे मैं बनाती हूँ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अभी डिनर करना है और 9:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ, वैसे लग रही है हेयर स्टाइल ज़रूर बताना मुझे। और आज थोड़ा सा वेस्टर्न पहनने का मन किया, मतलब टॉप पहनने का मन किया। डेली कुर्ती ही पहन रही हूँ कितने दिनों से, तो आपको मेरी कुर्तीस बहुत अच्छी लग रही है। और हाँ, किसी ने कुर्ती कलेक्शन भी मांगा था, तो किस किस को कुर्ती कलेक्शन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुर्ती कलेक्शन भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। काफ़ी लोग कुर्तीज़ के बारे में मतलब तारीफ कर रहे हैं और हाँ, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आप कुर्तीज़ कहाँ से परचेस करते हो। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है डियर, मैं कुर्ती यहीं से परचेस करती हूँ। मतलब कभी कुर्ती ऑनलाइन परचेस कर लेती हूँ, कभी कुर्ती बाहर गई मार्केट में कोई अच्छी दिख गई तो वहाँ से परचेस कर लेती हूँ। तो ऐसे मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन के दोनों भी कलेक्शन हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आपको चाहिए हो तो। मतलब काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कुर्ती कलेक्शन के लिए, बट अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले कुर्ती कलेक्शन दिखाने का तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी कुर्तीज है वैसे मेरे पास। मतलब आप लोगों ने तो देख ही लिए ब्लॉग में, डेली मैं अलग अलग पहनती रहती हूँ, बट उसमें डिटेल भी आपको बताना होता है कहाँ से ली है, क्या ली है, अराउंड कितने की है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आपको चाहिए हो तो। और चलिए फिर पहले स्टार्ट कर देते हैं डिनर बनाना, नहीं तो और लेट हो जाएगा। ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं, लेट नहीं होना चाहिए। डिनर कब करेंगे और फिर मतलब वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, फिर घूमना पड़ता है आगे, वॉक करनी पड़ती है, तो इसी वजह से पहले डिनर बनाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। तो यहाँ पर बनने वाला है मसाला राइस, तो मैंने मसाला राइस बनाने के लिए लिया है कुकर। उसमें मैं ऐड करूँगी घी पहले। एक्चुअली घी ऐड करने से क्या होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है उसका, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसका, और उससे ना डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। वैसे मेरे घर में घी बहुत कम खाते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और बच्चों को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बच्चे भी बहुत कम खाते हैं, और इन्हें ना दाल पे ही सिर्फ पसंद है। तो हर किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि आप कौन सा मतलब कंटेनर यूज़ करते हो घी रखने के लिए, तो पता नहीं किसने पूछा था, बट बहुत बार एक दो बार कमेंट आई थी कि कौन सा कंटेनर यूज़ करते हो। तो डियर, मैं अलग से कोई कंटेनर यूज़ नहीं करती हूँ, ये मैं गोवर्धन का घी यूज़ करती हूँ, तो वही कंटेनर आता है, तो वही चल जाता है ख़त्म होने तक, तो वो वही यूज़ करती हूँ। और इसमें मैंने डाल दिया है घी, उसके बाद वो गर्म हो जाने के बाद मैंने डाला है उसमें जीरा, और उसके बाद तेज़पत्ता डाला है उसमें, और उसके उसे अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद उसमें लौंग, इलायची और दालचीनी, ये सारी चीज़ें मतलब खड़े मसाले डाल दूँगी। खड़े मसाले डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है, मतलब फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है उसका। तो इसी तरह से मैं काली मिर्च और क्या बोलते हैं सारी चीज़ें वो डाल दूँगी उसमें, और उसे अच्छे से भून लूँगी, उसका फ्लेवर उसमें आ जाएगा। और शाम को ना कुछ खा लेते हैं तो इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं रहती है रात को, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसे ही सिंपल सा बनाने का मन करता है। और आप लोगों को भी आलस आता होगा ना बनाने के लिए, मतलब थोड़ा सा वो होता है यार दिन भर खाने खाने की चीज़ें ही बनाते रहो, लॉकडाउन में तो यही होता है। मतलब कितना हम लोग किचन में रहे हैं हमें ही नहीं पता है। मैं तो बहुत ज़्यादा किचन में रही हूँ इस लॉकडाउन में, क्योंकि बहुत मतलब अलग अलग डिश बना के खाई है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा ना, मतलब ज़्यादातर टाइम आपका किचन में ही जा रहा होगा, सभी के डिमांड पूरी करते करते और सभी की मतलब वो करते करते विश पूरी करते करते, तो वैसे ही हो रहा है सभी के साथ, वैसे ही हो रहा है। तो इसी वजह से कैसे टाइम निकल जा रहा है तो खुद को समझ में नहीं आ रहा है। और तो इसी तरह से बस हाँ, मैं उस चक्कर में आपसे बात करने के चक्कर में आपको रेसिपी बताना भूल गई। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैंने उसके बाद खड़े मसाले डालने के बाद प्याज डाला था, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसके बाद टोमेटो ऐड किया है, अभी टोमेटो भी अच्छे से चला लूँगी, उसके बाद मैं ऐड करूँगी आलू, और ज़्यादा कुछ नहीं था सब्जियों में, इसी वजह से इतना ही ऐड कर रही हूँ, नहीं तो फिर सब्जियाँ डाल सकती थी। आपके पास कोई भी सब्जी हो तो आप डाल सकते हो, जैसे कि गोभी हो गई, बीन्स हो गई, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो, बट अभी लॉकडाउन में किसी के यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं होगी, जो है उसी में काम चलाना पड़ रहा होगा। तो इसी तरह से मैं भी कर रही हूँ, मतलब आलू वगैरह डाल दूँगी, और उसके बाद मेरे यहाँ की जो सोयाबीन बड़ी है वो भी ख़त्म हो गई थी,
तो नहीं तो मैं सोयाबीन बड़ी पक्का डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मसाला राइस में सोयाबीन बड़ी डालना, बट सोयाबीन बड़ी भी ख़त्म हो गई थी तो इस वजह से वो भी नहीं डाल पाई। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी उसमें ये एवरेस्ट का बिरयानी मसाला। थोड़ा सा ये मसाला डालने से क्या होता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका, मतलब बिरयानी जैसा टेस्ट आता है, तो इसी वजह से मैं ये ना मसाला ऐड कर देती हूँ। ये मसाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मसाला राइस में, तो ये मसाला मैं पक्का ऐड करती ही हूँ। और आपको भी बहुत बार दिखाया है मैंने, और आपको आप में से बहुत लोग यूज़ करते हैं, और जो नहीं यूज़ करते तो वो पक्का यूज़ करके देखना एक बार, बहुत अच्छा लगेगा आपको, टेस्ट बहुत बढ़ जाता है इसका इस मसाले से। और बस नमक ऐड कर दिया है थोड़ा सा टोमेटो गलने के लिए, उसके बाद मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, हल्दी ऐड करूँगी थोड़ी सी, और उसके बाद गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करूँगी, और उसके बाद धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। धनिया पाउडर उसमें निकाला नहीं था तो इसी वजह से ख़त्म हो गया था वो, तो धनिया पाउडर अलग से बरनी में निकाल के रखा था। और मैं धनिया पाउडर ताज़ा ताज़ा ही बनाती हूँ, आपको बताया है मैंने, इससे पहले भी आपको बताया है, तो ताज़ा ताज़ा ही बनाती हूँ, तो उसकी स्मेल काफ़ी दिन तो मतलब जब तक वो रहता है तब तक वो बनी रहती है। और थोड़ा सा बनाती हूँ, मतलब वो जितनी बरनी आपने देखी है ना उतना ही मैं बनाती हूँ, तो इसी वजह से उसका जो टेस्ट है वो भी बरकरार रहता है और उसकी स्मेल भी बरकरार रहती है। और जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं दूसरा बना लेती हूँ, तो बस इस तरह से। और ये मसाला दानी किसी ने पूछी थी कि मसाला दानी कितने की लिए और कहाँ से लिए, तो डियर ये मसाला दानी है डीमार्ट की, बट प्राइस क्या है इसकी वो मुझे अभी याद नहीं है, काफ़ी दिन पहले मैंने ली थी तो इसी वजह से मुझे बिल्कुल प्राइस इसकी याद नहीं है। 400 या 500 की ऐसे ही कुछ होगी, इसके अराउंड ही होगी, बट प्राइस तो एग्जैक्टली मुझे जो है वो याद नहीं है, इसी वजह से प्राइस मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, डीमार्ट की है ये बता सकती हूँ सिर्फ। और यहाँ पर मैंने सोख करके रखे थे चावल जो है वो, आधे घंटे पहले सोख करके रखे थे, तो मैंने पहले आलू डाल दिए थे, उसके बाद आलू भी चला लिए अच्छे से मसाले में, और उसके बाद मैंने जो राइस मैंने सोख करके रखे थे आधे घंटा पहले तो वो डाल दिए है, और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी पानी, तो पानी आपको थोड़ा सा कम ही ऐड करना है क्योंकि हमने जो राइस है वो सोख करने के लिए रखे थे, तो इसी वजह से इसमें पानी थोड़ा सा कम लगेगा। अगर आप पानी थोड़ा सा कम ऐड करोगे ना तो राइस जो है वो खिले खिले से बनेंगे, नहीं तो ज़्यादा अगर ऐड कर देते हो तो पानी को तो वो चिपकने लगेंगे, इसीलिए पानी थोड़ा सा कम ही ऐड करना है। और वैसे भी घी हमने ऐड किया है तो राइस खिले खिले से तो बनने ही वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी ध्यान से ऐड करना और उसके बाद ढक्कन लगा के रख देना, तो उसकी एक से दो विसल ले लेना, उसके बाद ही वो हो जाएगा, एक से दो विसल ही लेना है आपको उसकी, ज़्यादा विसल नहीं लेना है, आपका जो राइस है वो चिपचिपा हो जाएगा, तो इसी वजह से आपको सिर्फ एक दो विसल ही ले लेने हैं। और मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ कच्चे कैरी की चटनी, मतलब कच्चे आम की चटनी, तो कौन कौन बनाता है कच्चे आम की चटनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं तो ऐसे बनाती हूँ और मैं जैसे बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली कौन कौन कैसे कैसे बनाता है और कैसी अच्छी लगती है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको मेरी तरह से आप बनाते हो तो ठीक है, अगर आप अलग तरह से बनाते हो तो वो भी मुझे बता देना। तो मैं इस तरह से काट लेती हूँ कैरी को, और उसके बाद एक्चुअली मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप देखो, मतलब जब ऐसा कैरी का असर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जब कैरी दिख जाती है ना तो ऑटोमेटिक मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरह से मैं कैरी को काट लेती हूँ, उसके बाद उसमें ऐड किया है मैंने जीरा, नमक थोड़ा सा और थोड़ी सी चीनी, और उसमें एक दो मैं हरी मिर्च ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, बस हो गया। अब इसे अच्छे से पीस लेना है और थोड़ा सा पानी ऐड करके, और आपको मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी मिर्च ऐड करनी है, तो अब अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो दो मिर्च ऐड कर सकते हो, अगर आपको कम तीखा चाहिए तो आप एक मिर्च ऐड कर सकते हो। और किसी ने पूछा था कि मिक्सी कौन सी कंपनी का है, तो मिक्सी है सुमन कंपनी का, बहुत अच्छा मिक्सी है मेरा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो पहले मिक्सी थे तो उस मिक्सी से ना बहुत ज़्यादा अच्छा ये मिक्सी निकला है।
एक्चुअली मैंने शादी के बाद ना 2-3 मिक्सी चेंज किए हैं, बट वो मिक्सी ना मुझे पता नहीं ऐसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता था, मतलब वो अच्छे से ग्राइंड ही नहीं हो पाता था उसमें। बट ये ना मिक्सी इतना ज़्यादा अच्छा है कि बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाता है, कितनी भी हार्ड चीज़ हो बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाती है इसमें, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और ज़्यादा वो ये भी नहीं होता है कि मतलब हेडेक नहीं रहता है कि यार ग्राइंड नहीं हो रहा है, ग्राइंड नहीं हो रहा है। मेरे पहले के मिक्सी जो थे वैसे ही होता था मेरे साथ कि ग्राइंड नहीं हो रहा है, ग्राइंड नहीं हो रहा है, कितना वेट करती थी। जैसे डोसा का और इडली का बैटर निकालना होता तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता था, बट अभी बिल्कुल टेंशन नहीं है, कितना भी हार्ड चीज़ हो मतलब निकाल लेती है मेरी मिक्सी। तो ये मिक्सी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सुमन कंपनी की है। अगर आपके यहाँ पे मिलती हो तो अगर आपको लेनी है तो पक्का लीजिएगा। ये मैंने ऑफलाइन ली है, एक्चुअली अगर ऑनलाइन लेती तो मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर करती, बट ये ऑफलाइन ली है तो मैं इसका लिंक भी नहीं शेयर कर पाऊँगी आपसे। बट अच्छी है इसी वजह से बता रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है अगर कोई चीज़ अच्छी हो तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है अगर आप मुझे देख रहे हो मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ अच्छी है, और जो चीज़ अच्छी नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊँ ताकि आपका पैसा वेस्ट ना जाए, इसी वजह से मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा मिक्सी है, आप ले सकते हो। और हाँ, यहाँ पर मेरा जो मसाला राइस है वो रेडी हो चुका था, और आप देख सकते हो खिला खिला सा बना था, बहुत अच्छा बना था और टेस्ट भी बहुत अच्छी थी। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ कभी कभी, मतलब आलस आ जाता है तो ये लेज़ी डिनर रेसिपी है, तो ये आलस आने के बाद ये वाली डिनर रेसिपी बनाती हूँ मैं, और उसके बाद ये वाली चटनी, आहा मज़ा आ जाता है। तो कच्ची कैरी ना मिली नहीं रही थी आज तक, बट अभी ये लेके आया है 2-3 दिन पहले, तो कच्ची कैरी की जो चटनी है वो बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आज बनाती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया आज आपके साथ। बस यहाँ पर हम लोग डिनर करने वाले हैं, प्लेट्स निकाल ली है, बस डिनर कर लेंगे और आप भी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए फिर, अभी डिनर करने के बाद सुबह मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ ब्रश करने के बाद। ब्रश कर लेती हूँ सुबह उठ के, उसके बाद फेस वॉश करती हूँ, और उसके बाद सारे कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि सारे काम आँखों के सामने दिखते हैं जो भी होते हैं। एक्चुअली ना सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे बनाना होता है इनके लिए ब्रेकफास्ट, तो उसी की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद फेस वॉश करके पहले किचन में जाती हूँ और ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यही होता है मेरे साथ, बट आप लोगों को तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहता होगा, क्योंकि हस्बैंड तो घर पे रहते होंगे और फिर टेंशन नहीं रहता है इतना। बट मुझे तो सुबह उठना ही पड़ता है। यहाँ पर मैं अद्विक का ब्रश करवा रही हूँ, एक्चुअली अद्विक भी उठ गया था तो मैंने सोचा चलो उसका ब्रश भी करवा देती हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं उसका ब्रश करवा दे रही हूँ। थोड़ा माही तो अपने आप खुद से काम कर लेती है सारा कुछ, खुद का तो खुद ही करती है वो, उसका तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है, बट इसका कर देना पड़ता है मुझे। तो यही होता है उसका रूटीन, एक्चुअली इसकी बाकी चीज़ें वो कर देते हैं बट ब्रश वगैरह तो ये नहीं करते हैं, क्योंकि इनको भी सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी होती है, इनको भी मतलब खुद के लिए ही टाइम नहीं होता है तो बच्चों के लिए क्या टाइम देंगे, तो इसीलिए इनको सुबह सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं मतलब उधर से आने के बाद, ड्यूटी से आने के बाद उसका पूरा करते हैं, बट सुबह का जो होता है वो मैं करती हूँ, और मैं करती हूँ। कभी कभी माही भी करवा देती है उसका ब्रश, कभी कभी मैं बिज़ी रहती हूँ तो माही करवा देती है, तो माही को भी आदत होगी उसके काम करने की, तो वैसे ही बस उसका ब्रश करवा देती है माही, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उस टाइम माही के साथ ही वो खाने के लिए बैठता है, कभी मुझे ज़िद कर खिलाने के लिए, कभी उसे ज़िद करता है खिलाने के लिए, तो ऐसे हम लोग करके खिला देते हैं उसे। और कभी कभी ना उसको ऐसे चादर नीचे डाल के, कुछ ऐसे डाल के नीचे उसको बिठा देते हैं, तो वो उस पर गिराता है और बहुत सारा गिरा के आधा खाता है और आधा गिरा देता है। तो बस यहाँ पर सारा कुछ हो गया था, ये चले गए थे ड्यूटी, उसके बाद मैं करने लगी थी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में सबसे पहले आता है बेड, तो मेरा बेड यहाँ पर क्लीन हो चुका है, और बेड ना क्लीन होने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बहुत मतलब बेड ही एक क्लीन हो गया ना तो बहुत ज़्यादा बेडरूम ऐसे क्लीन क्लीन लगती है। बट ये मेरे घर पे ज़्यादा देर तक नहीं रह गया, अद्विक कूदता रहता है इस पर तो थोड़े से सिलवटें पड़ ही जाती है। और हाँ, किसी ने एसी पूछा था कि एसी कौन सी कंपनी का है, तो एसी है ब्लू स्टार का। एक्चुअली एसी जब लिया था तो उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, फुल डिटेल में वीडियो शेयर किया था आपके साथ, तो अगर आपने नहीं देखा है वो तो आप देख लेना, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन सा एसी है, क्या है, कैसे मतलब कैसे लिया था हमने। तो ये है ब्लू स्टार का एसी, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, शाम के कपड़े है ये, शाम के नहाने के कपड़े। तो शाम के नहाने के कपड़े एक बार वॉश कर लेती हूँ, सुबह के कपड़े एक बार वॉश कर लेती हूँ, तो ऐसे 2 टाइम वॉश कर लेती हूँ कपड़े। तो इसी तरह से शाम का भी रूटीन होता है, शाम का रूटीन तो आपको पता ही है,
बट आज पहली बार हुआ है कि मैंने पहली रात से, पहले दिन की रात से दूसरे दिन की रात तक मैंने वीडियो बनाया है, तो ये पहली बार हुआ है मेरे चैनल पे, मैंने पहली बार ऐसे वीडियो बनाए हैं। तो सभी कपड़े ड्रायर से निकाल लूँगी और सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो शाम के कपड़े मैं सुखाने के लिए बाहर नहीं डालती हूँ, शाम के कपड़े मैं सुखाने के लिए ऊपर वाले रूम में डालती हूँ जहाँ पर स्टैंड रखा है। तो मैं अभी ऊपर वाले रूम में जाऊँगी और वहाँ पर डालूँगी स्टैंड पे कपड़े, क्योंकि ये बाहर डालने से अच्छा नहीं रहता है बोलते बाहर डालना रात को कपड़े, तो इसी वजह से मैं शाम को ऊपर वाले, मतलब रात को जो कपड़े होते हैं वो ऊपर वाले रूम में ही, ये वाले रूम में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ, अभी स्टैंड सेट करूँगी उसके बाद कपड़े डाल दूँगी। और हाँ, एक कमेंट याद आया मुझे एक्चुअली, कि किसी ने मुझे बोला है कि रमज़ान विश करो। एक्चुअली मैंने रमज़ान जब स्टार्ट हुआ था ना तो आपको विश कर दिया था उसी टाइम, क्योंकि ना एक्चुअली आपके फेस्टिवल अलग होते हैं, हमारे फेस्टिवल अलग होते हैं, तो इसी वजह से मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं रहता है, बट रमज़ान का पता था मुझे। तो इसी वजह से जब स्टार्ट हुआ रमज़ान तो उसी दिन मैंने आपको विश किया था। आई थिंक आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है जिन्होंने कमेंट की थी, उन्होंने एक दो बार मुझे कमेंट की थी कि आप रमज़ान विश करो, बट मैंने सोचा कि यार मैंने रमज़ान तो विश कर दिया है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा वो किया कि यार मैंने कर दिया है तो इसी वजह से दोबारा क्यों करना, तो इसीलिए मैंने नहीं किया था। बट वो उन्होंने एक दो बार कमेंट की है कि आप दिए रमज़ान विश क्यों नहीं करते हो, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, तो ये मुझे थोड़ा सा अलग लगा कि यार मैंने रमज़ान विश करने के बाद भी, तो मैंने सोचा कि चलो उन्होंने ब्लॉग नहीं देखा होगा इसी वजह से उनको लग रहा होगा कि मैंने रमज़ान ही विश नहीं किया आपको, रमज़ान पूरा निकल गया, बट मैंने अब रमज़ान विश नहीं किया आपको। अभी ईद भी आने वाली थी तो मैं ईद भी आपको विश करने ही वाली थी सबको, क्योंकि आपके अगर त्यौहार रहता है ना तो मुझे एक दिन पहले, मतलब एक दो दिन पहले ही बता दिया करो, मैं विश कर दिया करूँगी आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता रहता है आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि हमारे अलग होते हैं आप लोगों के अलग होते हैं, तो मुझे नहीं पता होता है। तो अगर आपका कोई त्यौहार हो, मतलब ईद ही होती है आपकी, बट कभी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, मतलब आपको मैं विश करूँगी और मुझे भी अच्छा लगेगा आपको विश करना। हैप्पी रमज़ान वंस अगेन। और हाँ, ईद आने वाली है तो ईद की भी एडवांस में आपको मुबारकबाद दे देती हूँ। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और मैं ऊपर से ही ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अभी भी मैंने कपड़े डाले हैं सुखाने के लिए और यहाँ से ही मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मैंने सोचा नीचे जाऊंगी फिर रखूंगी, उससे अच्छा है कि यहाँ पर ही ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। और नीचे बच्चे टीवी देख रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा शोर है, तो यहीं पे एंड कर रही हूँ। और हाँ, आज किसी का बर्थडे भी नहीं है, आज किसी की एनिवर्सरी भी नहीं है और किसी ने रिक्वेस्ट भी नहीं की है नाम लेने के लिए, बट एक रिक्वेस्ट आई है, प्रिया बराटे ने रिक्वेस्ट की है। मतलब थोड़ी सी मुझे हंसी आ रही है, बट उन्होंने इतने दिल से कहा है तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो नाम ले लेती हूँ। तो उन्होंने नाम लेने के लिए बोला है इंडियन मॉम कंचन का, क्योंकि वो बोल रही थी कि मतलब आप बहुत सोचते हो सबके बारे में तो आपके लिए भी विश करो, तो ले लेती हूँ मैं इंडियन मॉम कंचन का नाम। तो इंडियन मॉम कंचन को बहुत सारा आप लोगों की तरफ से प्यार मिले और जल्दी से मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, ऐसे आप भी विश करो और मैं भी विश करती हूँ। तो बस यही बोलना चाहूंगी इंडियन मॉम कंचन के लिए, आई होप आपकी विश पूरी हो गई होगी। मैंने इंडियन मॉम कंचन का नाम ले लिया है और चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उसे आप सबसे पहले देख पाओगे। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो आपके हाथ में है, आपको जेन्युइनली मेरा चैनल अगर पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके साथ साथ इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इंस्टा पे डेली बोलती हूँ फॉलो करने के लिए, बट उसमें से एक ही आता है फॉलो करने के लिए, तो प्लीज इंस्टा अकाउंट भी चेक कर लेना और फॉलो कर देना वहां पर भी अगर पसंद आता है आपको। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।